स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। देख, अगर इलेश बेकसूर है तो उसे छुड़ाने के लिए हम सब जी जान लगा देंगे, और अगर वो कसूरवार है तो हम में से किसी को भी उसकी गिरफ्तारी पर अफसोस नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, ये पैसे मेरे नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता चुका हूँ, और मेरे पास जो भी पैसे है ना, वो कंपनी ने दिए हुए। ये ऐसे नहीं मानेगा, टायर लगा। इसे अपना वही रंग दिखाते हैं, तभी ये सारी सच्चाई उगलेगा। चल, चल, चल। चिंता मत करो मेरे शाहजहां, देखना सब ठीक हो जाएगा। इलेश अगर छूट भी गया तो ये दाग कैसे धुल पाएगा? अंबरनाथ कश्यप के घर से किसी को गिरफ्तार करके ले जाया गया आज, ये फांस मैं कैसे निकाल पाऊंगा? नाना जी, नाना जी, नाना जी, इलेश को बचा लीजिए। बड़ी मामी और नानी जी, इलेश को बचा लीजिए ना। दिशा, दिशा, संभालो अपने आप को। देखो बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। अगर तुम इस तरह हिम्मत हार दोगे तो इलेश को कौन संभालेगा? कौन देगा उसे हिम्मत? दिशा भाभी, कुछ नहीं होगा। अरे पापा गए ना वकील के पास, कुछ नहीं होगा। इलेश भैया वापस आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तुम क्यों नहीं गए पापा के साथ लाहौर के पास? मुझे लेके नहीं गए, इस घर में मुझे छोटा समझा जाता है। उफ़ो, अब इस बात को लेके झगड़ा मत शुरू कर देना। हमें सोचना यह है कि इलेश को कैसे वापस लेकर आए। मैं तो कहती हूँ जरूर पुलिस वालों को कोई गलत फहमी हुई है, पर अब उन मेरों को समझाएगा कौन? कैसी गलत फहमी गायत्री? ऐसे तो मिले हैं ना इलेश के पास से। दिशा, उस दिन वो सुबह सुबह बहुत सारे पैसे लेके जा रहा था ना ऑफिस। हाँ, रोज ब्रीफकेस भर भर के पैसे लाता था। जब भी पूछती थी टाल जाता था। इसका मतलब इंदर भैया जो कह रहे थे वो सच ही था? मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत। नाना जी, अगर उन्हें जेल हो गई तो? दिशा बेटे, देख, अगर इलेश बेकसूर है तो उसे छुड़ाने के लिए हम सब जी जान लगा देंगे, और अगर वो कसूरवार है तो हम में से किसी को भी उसकी गिरफ्तारी पर अफसोस नहीं होना चाहिए। दादाजी, कुछ करिए, इंदर भैया बहुत रो रहे थे। बड़ी माँ, रजनी भाभी भी चुपचाप अपने कमरे में बैठी है। है कहाँ इंदर? इंदर भैया बाहर चले गए। रजनी और इंदर को भी तो संभालना होगा। मैं जाती हूँ रजनी दीदी के पास। इशिका चल। मैं भी इंदर भैया को देखता हूँ जरा।
भगवान, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे हंसते खेलते घर को। नहीं, मेरा मन कहता है कि मेरा इलेश निर्दोष है। मेरी परवरिश में इतनी बड़ी खोट तो नहीं हो सकती। सच सच बता, जो डाकू किस बात के पैसे दिए थे तूने? कहां से आया तेरे पास इतना सारा कैश और कहां कहां छुपा रखे तूने पैसे? मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, कसम से, मैं तो कंपनी का काम कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, ये पैसे मेरे नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता चुका हूँ, और मेरे पास जो भी पैसे ना, वो कंपनी ने दिए हुए सैलरी या इंसेंटिव के बताओ। आप चाहे तो मेरा बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं, मेरा पासबुक चेक कर सकते हैं। मैं इंस्पेक्टर साहब आपको यकीन दिला तो मैं अभी घर जाके पासबुक ले आके आपको दिखा देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, बैठ, ड्रामा बंद कर अपना। तू घड़ी घड़ी ड्रामा कर रहा है मंडल, ये ऐसे नहीं मानेगा। टायर लगा, इसे अपना वही रंग दिखाते हैं, तभी ये सारी सच्चाई उगलेगा। चल, 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 चल। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, मैं कसम से बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर। एक मिनट इंस्पेक्टर, मैं इलेश भारद्वाज का वकील, क्या मैं अपने क्लाइंट से कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ जी, कर लो जी बात, और जरा समझाओ इस नमूने को। मंडल, पैसे। ठीक तो है ना? मामू, मुझे बचा लीजिए मामू, मैंने कुछ नहीं किया मामू, मैं बेकसूर हूँ मामू। देख, अभी वकील साहब आ गए ना, अभी सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल घबरा मत। देखिए, आपके घर से इतने सारे रुपए बरामद हुए, ये कोई मामूली बात नहीं। और फिर इस वक्त काफी देर हो गई, अब जो कुछ भी होगा वो कल सुबह। कल सुबह? जी बिल्कुल, कल सुबह ही कोर्ट से बेल हो पाएगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि तब तक आप पुलिस को कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। इलेश, तो सुन रहा ना क्या कहा वकील साहब ने? हाँ, मैं FIR की कॉपी लेके आता हूँ। देखिए, आपके घर से इतने सारे रुपए बरामद हुए, ये कोई मामूली बात नहीं। तेरी कंपनी 2 नंबर का धंधा करती है और तू उनका दलाल बना बैठा। उन्हें मेरे बॉस से प्रॉपर्टी की बात की थी ना, उनसे 60% कैश मांगा था या नहीं? इंदर भैया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इंदर ऐसा क्यों करेगा? वो भाई है तेरा। भाई? कल गले लगा के आज पीठ में छुरा घोंप दिया। भाई, ये बात मैं कभी नहीं बोलूंगा। गलत बात है ये इलेश, ये तू अपने दिमाग में ये सब मत ला। अरे, इंदर ऐसा क्यों करेगा? मामू, आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा है, मैं आज यहां पुलिस स्टेशन में हूं इंदर भैया की वजह से। आज मेरे नाम पे इतना बड़ा कलंक लगा है इंदर भैया की वजह से। आप कह रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, आज जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस परिवार के लिए पराया हूं। ससुराल के नपुर
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।